नमस्कार, मैं अनुज पाल के क्या न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। मध्य प्रदेश डीजे साउंड एसोसिएशन भोपाल ने प्रेस वार्ता कर सरकार से मांग की है कि डीजे पर जो पाबंदी लगाई गई हैं उन्हें पाबंदियों पर पुनः विचार करके संशोधित आदेश करें, जिससे हमारे परिवार का पालन पोषण हो सके। संवाददाता सुनील दामले, भोपाल। हाँ, ये जो युवा देख रहे हैं आप, ये सब पढ़े लिखे हुए हैं, सरकारी नौकरी ना मिलने पर उन्होंने धंधा शुरू किया है। किसी ने बैंक से लोन लिया है तो किसी के घर पे कराया है, किसी के बच्चों की फीस इस व्यवसाय से बहुत जुड़ी हुई है व्यवसाय से। और इसको सरकार को ये फैसला लेना चाहिए कि इनके मापदंड को तय करते हुए कि इनका व्यवसाय चले। लाउड स्पीकर मस्जिद और मंदिर से उतारने पे ये था कि रोज़ सुबह शाम की थी, हम लोग का कुछ घंटे और कुछ मिनटों का कार्यक्रम होता है। हम वही साउंड प्रोवाइडर हैं जो सरकारी काम, नेता नगरी के काम जो होते हैं, प्रचार होते हैं, इन सब में हम लोग साउंड का व्यवस्था करते हैं। कोविड में भी हमने अपनी निरंतर सेवाएं दी हैं, किसी भी तरह की जो भी सरकारी योजनाएं आती हैं उनका प्रचार भी हम ही करते हैं। अब हमसे यही रोजगार छीन लेंगे तो फिर हमारा कैसा पालन पोषण चलेगा। हर डीजे वाले के साथ कम से कम 5 से 10 परिवार जुड़े हुए हैं, उन परिवारों का कैसे रोजगार चलेगा और वो कैसे अपने स्कूल की फीस, घर का किराया, बैंक की किस्त, ये कहाँ से निकलेगा। मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि जो मंदिर मस्जिद पे हॉर्न लगे थे और लाउड स्पीकर नॉइस पॉल्यूशन कर रहे थे, तो उसमें किसी का व्यवसाय नहीं जुड़ा था, लेकिन हम लोगों का जो डीजे का काम है वो शादी और समारोह से जुड़ा हुआ है। तो मेरा उनसे निवेदन है कि शादी समारोह में हमारे लिए पुनः विचार कर डेसिमिल और उनके नियमों के हिसाब से कुछ नई नीति दी जाए, क्योंकि 2 डब्बों में तो हमारा व्यवसाय नहीं चल पाएगा। इसीलिए कुछ माननीय मुख्यमंत्री नए निर्देश जारी करें, क्योंकि हमारा आगामी सीजन फिर 14 जनवरी से शुरू होने जा रहा है, जिसकी बुकिंग और सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत मान्य हैं। अभी हमें हम असमंजस में हैं कि हम बुकिंग लें या ना लें। अगर हम छोड़ देते हैं तो हमारा व्यवसाय बाधित हो रहा है, और अगर हम ले लेते हैं तो हम करें कैसे, बड़े मुश्किलों में पड़े हुए। धन्यवाद। नाम बताइए भैया। मैं राकेश बात हूँ, भोपाल डीजे एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। मैं सरकार से मांग करता हूँ कि जो डीजे के लिए निर्णय लिया गया है कि 2 डब्बों में, तो 2 डब्बों में डीजे नहीं होता। ये सरकार से हमारी मांग है कि कम से कम 2 बेस 4 टाइप के लिए हमें अनुमति करें और आगे सख्त जल्दी जल्दी निकालें, क्योंकि 2 बेस और 4 टाइप के अलावा डीजे नहीं बजा सकते। हम तो शादियों में बजाते हैं, खुशियों में बजाते हैं, और अगर शादी में लोग नाचने के लिए बोल नहीं हो पाएंगे तो हमारा व्यवहार चलेगा ही नहीं। तो इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि 2 बेस 4 टाइप की परमिशन दी जाए। लगातार खबरों की जानकारी के लिए बने रहिए के क्या न्यूज चैनल से। आपका दिन शुभ हो। आज के लिए बस इतना ही। मनोज पाल आपसे विदा चाहता हूँ।